नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं मृदुला पांडे। सीतामढ़ी के रीगा सुगर मिल के चालू नहीं होने से मिल के काम करने वाले तकरीबन 700 कर्मचारियों के भविष्य संकट में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मिल प्रबंधन ने तकरीबन 6 माह पहले मिल के 600 कर्मियों को 9 वर्क 9 पे के आधार पर बाहर का रास्ता दिखाया दिया था, लेकिन यहां काम करने वाले लोगों को यह उम्मीद थी कि चीनी मिल शुरू होने से पहले उनका काम पर वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रीगा चीनी मिल के काम करने वाले कर्मियों के घर पर बिजली और पानी आपूर्ति का मिल प्रबंधन ने बंद कर दिया है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मिल प्रबंधन पर कर्मियों को तकरीबन 25 करोड़ रुपया वेतन समेत दूसरे मंद का बकाया है। एक तो ये लोग ड्यूटी बंद करा दिए हैं, सभी वर्कर परेशान हैं ड्यूटी के बगैर, सबकी ड्यूटी शुरू हो, और 7-8 महीने से सबको बैठाया गया है। जो कुछ लोग काम कर रहे थे उसको भी बैठा दिया गया है, और उस पर से लाइट भी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बच्चे लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, और हर तरह की समस्या, जैसे आंटी जी बता रही हैं, हर तरह की समस्या को झेलना पड़ रहा है। अब बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, और महिलाओं को भी दिक्कत हो रही, ठंडा इतना है, और ये लोग ना मैनेजर सुन रहे हैं, ना मालिक सुन रहे हैं, ना कोई डिसीजन हो रहा है, ना सरकार सुन रही है हम लोग की समस्याएं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी मुद्दा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और सबसे बड़ी ड्यूटी भी चालू हो लोगों की, और जो बकाया राशि है कर्मचारी लोग का भी वेतन जो बंद है, और किसान का भी है, सब समस्या का समाधान करे और इस पर सुनवाई करे हम लोग। मेरा नाम पूनम मिश्रा हुआ। ड्यूटी बंद किए हुए गार्जियन का, और उसके बाद अभी लाइन भी हम लोग को 8 दिन से बंद कर दिए है। ना किसी तरह का पैसा है, ना कोई सुविधा है, लाइन बिना अंधेरा में बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सारा ठप हो गया है। बच्चा लोग को मतलब कि, और हम लोग को सब कुछ इतना परेशानी है, लेकिन ना मैनेजर ना मालिक कोई सुनवाई नहीं करनी आ रहा, ना यहाँ के सरकार भी डीएम वीएम हर कोई को खबर गया, लेकिन कोई इस बात में कोई इंक्रूवल नहीं कर रही है कि हाँ यहाँ कुछ होना चाहिए। आज अलका सिंह, आज अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।